पता नहीं उन गुप्तचरों ने क्या बताया होगा। यदि नंद को मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो नहीं नहीं समय रहते ही कार्य समाप्त करना होगा। धीरे कीजिए महाराज, नीलमणि भयभीत हो जाएगा। क्षमा करना बेटी, वृद्धावस्था में यदि पेट रिक्त रहे तो वायु विकार हो ही जाता है। यशोदा कह रही थी कि भोजन तैयार है, यदि तुम परोस दो तो ये वृद्ध भोजन कर लेगा और वायु विकार से मुक्ति मिल जाएगी। ताई जी आप जाइए, इन ढोंगी महाराज को भरपूर शांति दूंगा आज। अभी लाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, सुखी रहो खुश रहो। कौन बचाएगा तुझे? द्वार बंद किसने किया? खुल क्यों नहीं रहा है? पाइप फंस गया है। कोई है? श्रीधर महाराज सहायता कीजिए, लगता है द्वार फंस गया है। अब सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि से कौन बचाएगा तुझे? पीछे देखो पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, हो क्या रहा है? ये कैसा इंद्रजाल है? मैया का बेलन है, लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त हैं अभी पिटने में। ये ध्वनियाँ कैसी हैं? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज द्वार खोलिए। लेख पत्र के विवरण से तो यही पतो चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कुछ समय पहले गोकुल में आयो था वो वापस लौट गयो है।
परंतु एक को छोड़कर। कौन? श्रीधर महाराज। अब आया तू पकड़ में, अब मजा चखाता हूं। बालक, बहुत हो गया तेरा खेल बालक, अब तुझे और समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। श्रीधर महाराज, कहीं आप कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं? श्रीधर महाराज, उचित अनुचित में समय व्यर्थ करो तुम, मैं वही कर रहा हूँ जो करने आया हूँ, विष्णु अवतार का अंत। हाँ, हमें स्मरण हुआ, वो अन्य दासियाँ बता रही थी कि ना तो वो ढंग से चल सकते है और ना ही ढंग से खड़ा हो सकते है। लल्ला! अरे चिची, कुछ देर तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझना रही, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है, मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है, मैं घर जा रही हूँ। अपने लल्ला जी, भाभी रुको, भाभी, यशोदा भाभी। तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? आंखें खोलने की चेष्टा तो करो। ये ज्ञान का प्रकाश है श्रीधर, इससे आप सदैव बचते ही रहे हैं। आपके पास बुद्धि तो है किंतु ज्ञान नहीं। आप महान ऋषि शुक्राचार्य के मानसिक शिष्य हैं, अब स्वयं को ज्ञान से और दूर मत रखिए। अब अपने भीतर के अंधकार को इसमें समा जाने दीजिए। कब तक अधर्म की छाया में रहेंगे हम? एक पग आगे बढ़िए और स्वयं अनुभव कीजिए क्या अनुचित था और क्या उचित है। आपने अधर्म के अंधकार में अनेकों दुष्कर्म किए हैं, अब धर्म के प्रकाश के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु,
मैं मूर्ख जब से यहां आया हूं आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूं, पर आप मुझे ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। अब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। स्वस्मय स्वल्पम समाजाय सर्वस्व, अर्थात अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार, शेष सब समाज के लिए।